मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उस काम में लगा हूँ। उस काम में लगा हूँ। इसमें मानसिकता बनती है व्यवस्था से। ये जो व्यवस्था है ना, वो लोगों को मजबूर करती है। इस व्यवस्था में क्या है, जो पैसे वाला है वही जिंदा रह सकता है, जो गरीब है उसके जिंदा रहने के रास्ते बंद हैं। इसलिए हर आदमी पैसे वाला बनना चाहता है, क्योंकि व्यवस्था उसको जिंदा नहीं रहने देती। आप व्यवस्था को बदल दो और ऐसी कर दो कि गरीब से गरीब भी सम्मान के साथ जिंदा रह सके इस व्यवस्था में, तो किसी की आकांक्षा नहीं है लखपति होने की। वो तो व्यवस्था की मजबूरी उसको तकलीफ देती है। तो हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जिसमें गरीब से गरीब भी सम्मान के साथ जी सके, रह सके। अमीर गरीब तो सभी समाज में रहेंगे, क्योंकि हाथ की पांच उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं हैं। थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा, वो उतना ही रहना चाहिए जितना उंगलियों का है। ये नहीं कि एक आदमी को रोज 20 रुपये भी नहीं है और एक को एक मिनट में 20,000 है। तो व्यवस्था बदल के आदमी के मन में आश्वस्ति ज़्यादा हम पैदा कर सकते हैं, तब वो लखपति बनने का ख्वाब छोड़ देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि रोडपति होके भी वो सम्मान के साथ रह सकता है। तो सम्मान बढ़ाना है उसका, ऐसी व्यवस्था बनानी। जी दो तीन छोटे काम हैं। एक तो ये काला धन खत्म कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा इनकम टैक्स की मदद से। दूसरा काम ये कर दीजिए कि जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनको फांसी और मृत्यु दंड की सजा कानून बना के, जैसे आपने कानून बनाया ना, बलात्कारी आदमी है उसको 14 साल की जेल, या बलात्कार करने के बाद मर्डर कर दिया तो फांसी, ऐसे ही आप बना दो कि आपने सरकारी पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार किया। जैसे चीन में है, वहां फांसी की सजा है, एक ही मिनट लगता गोली मार देते हैं। चीन में सरकारी पद पर रहते हुए आपने रिश्वत खाई और आप पकड़े गए तो भगवान भी नहीं बचा सकता, 3 दिन नहीं लगते उनको, तीसरे दिन तो गोली मार देते हैं। हाँ, ये भी सही है कि करप्शन है, लेकिन उनका करप्शन और हमारे करप्शन में जमीन आसमान का अंतर है। उनका करप्शन वैसा ही है जैसे अमेरिका में ऊपर के लेवल पर टॉप में। हमारे यहाँ जैसे ये तहसीलदार के पास जाओ अपनी जमीन के कागज निकलवाओ तो कहेगा 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो। बाबू के पास जाओ, क्लर्क के पास कहेगा एक चाय प्याला पिला दो, दो चाय पिला दो। ये नीचे के स्तर पर छोटी छोटी, ये चीन में नहीं, वहाँ आदमी बहुत आराम से जिंदा रहता है। चीन में क्या है, ऊपर के लेवल पर करप्शन है, लेकिन पकड़ गए तो सजा इतनी कठोर है कि रूह कांप जाती है। चीन में और इसी तरह का है, मिलावट आपने की, पकड़े गए तो कोई बचा नहीं सकता फांसी से। अभी चीन में मिलावटी दूध पकड़ा गया, केस आ गया, 3 महीने में फैसला हो गया, 1,543 लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया चीन की सरकार ने, मिलावटी दूध पकड़ा दिया एक साथ बिना मुरब्बत के। अब हमारे यहाँ मिलावटी काम करने वाले सालों साल जिंदा रहते हैं, कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कानून ऐसे। तो आप कानून कुछ जगह थोड़े कठोर बना दो भ्रष्टाचार के, मिलावटखोरी के, आप देखो इस पे बहुत कंट्रोल आ जाएगा। और समाज में गरीब से गरीब आदमी को सम्मान के साथ जिंदा रहने का रास्ता खोल दो, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार उसी दिन खत्म हो जाएगा। हर आदमी पैसा कमा के जिंदा रहना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है इससे सम्मान बढ़ता है। आप दूसरे चीज़ों में सम्मान बढ़ा दो उसका, कारीगरी का सम्मान बढ़ा दो, ज्ञान का सम्मान बढ़ा दो, उसके नॉलेज का सम्मान बढ़ा दो, वो पैसे की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि पैसा तो उतना ही चाहिए खाने पीने के लिए। सम्मान दूसरी चीज़ों से मिलने लगे पैसे के अलावा, तो उस रास्ते पे लोग चल पड़ेंगे। ये तो हम जैसी व्यवस्था बनाएं वैसे बनने की बात।